एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल। बागेश्वर धाम के महंत को चुनौती देने वाले नागपुर के श्याम मानव को लेकर हिंदू संगठनों में जमकर आक्रोश पनप रहा है। इसी को लेकर एमपी के दमोह में अस्पताल चौराहे पर जिले के हिंदू संगठनों ने नागपुर महाराष्ट्र के श्याम मानव का पुतला दहन किया। यही नहीं, पुतले को संगठन के लोगों ने जूते मारकर अपना विरोध जताया। संगठन के लोगों ने बताया कि छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर के श्याम मानव द्वारा अनर्गल टिप्पणी की गई थी, जिससे हिंदू संगठन और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल में रोष व्याप्त है। इसके विरोध में सभी दमोह जिले के हिंदू संगठनों के लोगों ने अस्पताल चौराहे पर सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर पुतला दहन किया। संगठन के लोगों के मुताबिक अगर सनातन धर्म और बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो हिंदू संगठन के लोगों द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आज अभी जो माहौल चल रहा है, हमारे बागेश्वर धाम सरकार के लिए चैलेंज करने का काम किया जा रहा है। नागपुर की एक संस्था है जिनके कोई कथाकथित लोग हैं, श्याम माधव, इनने बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर चैलेंज किया, उनके लिए भगोड़ा घोषित किया। इससे हमारे सभी हिंदू भाई आहत हैं और उनका पुतला आज हमने यहाँ पे दहन किया है। और सेकंड चीज, हम सभी उन विधर्मियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म को ना छेड़ें, ना ही हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं। अगर आप क्रिया करोगे तो हम प्रतिक्रिया करेंगे। ये इसके पीछे सभी वामपंथी ताकतें, कृष्णा ईसाई, कृष्णरी मिशनरी जो शामिल है, क्योंकि गुरु जी ने यहाँ पर कुछ लोगों का धर्म वापसी करवाई थी, उसी समय से कुछ कृष्ण मिशनरियाँ गुरु जी के पीछे पड़ी हुई हैं। तो हम सभी लोग बागेश्वर धाम सरकार के साथ में हैं, सत्य सनातन धर्म के साथ में हैं और सभी को चेतावनी देते हैं कि हमारे धर्म पर उंगली उठाना बंद करें, चाहे वह किसी और जात के हों या हिंदू धर्म से हों। अगर आप इस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे तो हम आपके मुँह काला कर देंगे। जब से बागेश्वर धाम वाले गुरु जी ने दमोह से 350 लोगों की घर वापसी करवाई थी, तब से सारा मिशनरी, वामपंथी और हिंदू विरोधी जो एक तबका है वो बौखलाया हुआ है। वो लगातार गुरुजी को टारगेट करके अनर्गल बातें कर रहा है, अनर्गल टिप्पणी कर रहा है, अंधविश्वासी कहने की बात कर रहा है। नागपुर के कोई दानव है, उसने चैलेंज किया था कि अभी हम इसका खुलासा करेंगे, ये करेंगे, गुरुजी की जबकि तय थी कि 7 दिन में उनका कार्यक्रम तय था और उसके अनुसार वो चले गए। रायपुर से जब उस दानव को चैलेंज करके बुलाया गया कि आपका चैलेंज हम स्वीकार करते हैं, तो दानव कहीं दिखा नहीं और हम उसको दानव कहते हैं, वो मानव है नहीं। हिंदू विरोधी जो भी कृत्य में शामिल हैं उसके खिलाफ हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है और आज इसी मीडिया के माध्यम से हम दमोह के उन समस्त दलालों को चुनौती और चैलेंज देते हैं कि अगर गुरुजी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ अगर अनर्गल टिप्पणी करी तो पुलिसिया कार्रवाई के साथ दंडात्मक कार्रवाई हम स्वयं हिंदू संगठन वाले करेंगे, जिसमें मुंह काले भी किए जाएंगे, जूते भी मारे जाएंगे और फिर जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा अपने धर्म की रक्षा के लिए हम उस हद तक जाएंगे। श्याम मानव द्वारा जो नागपुर में हमारे परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम महाराज की जो कथा सुनियोजित की गई थी वो 7 दिन की थी, लेकिन उसके द्वारा लगातार यह भ्रामक खबर चलाई जा रही है, यह अनर्गल बातें की जा रही हैं कि वो हमारी चुनौती छोड़कर भाग खड़े हुए, नागपुर से भाग खड़े हुए, उन्होंने हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की, जबकि हमारे गुरुदेव रायपुर से उसको चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हें अगर दम है तो यहाँ आकर हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं और जो जो भी सनातन धर्म विरोधी ये ऐसे कार्य करेगा, हमारे साधु संतों को बदनाम करने की साजिश करेगा, उन्हें हम दंडात्मक कार्यवाही करेंगे, घर में घुसकर उनके साथ जो हिंदू संगठनों को उचित लगेगा वह कार्यवाही की जाएगी। आज हिंदू जागरण मंच की ओर से श्याम मानव का पुतला दहन किया गया है। जय श्री राम। जय श्री राम।
होटल द हेरिटेज कन्वेंशन डीलक्स सुपर डीलक्स रूम क्वीन स्वीट रेसिडेंशियल स्वीट बैग डॉर्मेट्री बनाए अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ जहां आपको मिलेंगे एक साथ तीन गार्डन प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट इंडियन फूड इंडियन चाइनीज साउथ इंडियन स्विमिंग पूल विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस हमारा पता है कनेरा देव रोड सागर MP फोन 9300229082